डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी को भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना दिया है। उन्होंने अपने गांव में 1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए। ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल्क वाईफाई जोन का भी निर्माण किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद हो रही है। ओम प्रकाश जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख लिया है। ये लोग गांवों के स्कूल, अस्पताल, तहसील ऑफिस और आंगनवाड़ी केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल पर भी ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे गांवों से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वजह से आए बदलावों को मुझसे साझा करते हैं। इंटरनेट ने हमारे युवा साथियों की पढ़ाई और सीखने के तरीकों को ही बदल दिया है। जैसे कि यूपी की गुड़िया सिंह जब उन्नाव के अमोइया गांव में अपनी ससुराल आई तो उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता हुई, लेकिन भारत नेट ने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया। गुड़िया ने इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। गांव-गांव में ऐसे कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया अभियान से नई शक्ति पा रहे हैं। आप मुझे गांवों के डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिख करके भेजें और उनकी सक्सेस स्टोरीज को सोशल मीडिया पर भी जरूर साझा करें।